गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 18 है, वन और मैनी। तो आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पूनम बेंट डाउन हर हेड बिफोर हर फादर एंड हेल्ड आउट हर हैंड विद द मंथली प्रोग्रेस। कि पूनम ने अपना सिर झुका के अपने पापा के सामने खड़ी है और अपना मंथली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है उसके हाथ में है। हर फादर ग्लैंस्ड एट इट, और उसके पापा क्या कर रहे हैं, उस पर गुस्सा रहे हैं। एंड लुक्ड हर एट एंग्रीली, मतलब गुस्से की नजरों से उसे देख रहे हैं। हाउ आर यू गोइंग टू पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन, कि तुम ऐसे वार्षिक परीक्षा में कैसे पास होगी। ही शाउटेड, वे चिल्ला रहे थे। पूनम हैड स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, पूनम को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे सारे सब्जेक्ट में लेकिन मैथमेटिक्स को छोड़ के। शी हैड स्कोर्ड ओनली 12 out of 100, कि उसको मैथ में कितना मिला 50 में से 12। शी वॉज अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, उसको अपने खुद पे शर्मिंदा थी वो। शी न्यू हर फादर वॉज इन ट्रबल, उसको पता है कि उसके पापा मुसीबत में है। ही हैड अ काइंड हार्ट एंड बट हिज रिसोर्सेज वर वेरी लिमिटेड, उनको पता है कि वो दयालु हैं लेकिन उनके जो स्रोत हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। स्पेशली व्हेन द कॉस्ट वाज राइजिंग ईच डे, लेकिन क्या हुआ है, महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है। ही हैड फोर मोर चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, उनके पास चार बच्चे और हैं जिनकी देखभाल करनी पड़ती है, और वो क्या है, क्लर्क है प्राइवेट कंपनी में। ही कुड नॉट अफोर्ड ट्यूशन फॉर हर, उसके लिए कोई ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो। एंड वट द मैथमेटिक्स टीचर टॉट हर एट स्कूल वॉज बियॉन्ड द कम्प्रीहेंशन। हर फादर वॉज सॉफ्ट एंड लिटल, उसके पापा ने उसके बोला, पूनम यू आर ब्रिलियंट गर्ल, कि तुम एक अच्छी लड़की हो बट यू नो आई कैंट अफोर्ड एनी ट्यूशन, कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई ट्यूशन नहीं ले सकता। यू हैव टू वर्क हार्ड योर सेल्फ, कि तुम्हें अपने आप से बहुत ही क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पूनम नॉडेड एंड टर्न अवे। नेक्स्ट डे इन द क्लास हर फ्रेंड नलिन से, कि अगले दिन कक्षा में उसका जो फ्रेंड था नलिन, उसने बताया, आई एम टेकिंग ट्यूशन फ्रॉम मिस राशि, कि मैं ट्यूशन ले रहा हूँ किससे, मिस राशि से। शी इज एन एक्सीलेंट ट्यूटर, कि वो अच्छा पढ़ाती है ट्यूशन। ज्वाइन हर क्लासेस एंड यू आर श्योर टू डू वेल, कि उनकी क्लासेस आर तुम ज्वाइन कर लो, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और तुम अच्छा कर सकती हो। पूनम डिड नॉट से अ वर्ड, पूनम ने एक वर्ड भी नहीं बोला। इन द इवनिंग शी वेंट टू मिस राशिज हाउस, शाम के समय वो मिस राशि के घर गई और उनकी डोर की घंटी बजाई। अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल अपीयर्ड देयर, कि वहां से एक सुंदर लड़की ने दरवाजा खोला। शी वॉज मिस राशि, वो क्या थी, मिस राशि थी। शी लुक्ड एट पूनम, उसने पूनम की तरफ देखा, ओनली टू थिंक इफ शी वॉज ए बेगर, और उसने सोचा कि ये क्या है, भिखारी है। हर वीक फिगर एंड शैबी क्लोथ्स कुड नॉट गिव, मतलब उसके कपड़ों ने एक अच्छा भी इम्प्रेशन नहीं दिया, उससे वो लग रही थी क्या, वो भिखारी है। यस व्हाट डू यू वांट, आस्क मिस राशि, हाँ तुम क्या चाहती हो, ऐसा मिस राशि ने पूछा। पूनम शोड हर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड सेड, पूनम ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट उसे दिखाई और कहा, आई एम वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, कि मैं मैथ में बहुत ही कमजोर हूँ। आई एम सॉरी सेड मिस राशि, तो मिस राशि ने क्या जवाब दिया, कि मुझे माफ कर दो, मेरी क्लास जो है वो फुल है, मैं तुम्हें जगह नहीं दे सकती, मेरे पास एक कुर्सी तक नहीं है तुम्हें बैठाने के लिए। आई एम टू पुअर टू पे योर फीस इवन, उसने क्या बोला पूनम ने, कि मेरे पास आपकी पूरी फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है। सेड पूनम, प्लीज मिस हेल्प मी, कि कृपया मेरी मदद कर दो। लिसनिंग टू दिस, ऐसा सुन के मिस राशि थॉट फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा कि ठीक है, तुम फर्स्ट पर बैठ सकती हो क्योंकि मेरे पास कोई चेयर बैठाने के लिए तुम्हें नहीं है। यस मिस, सेड पूनम, कि हाँ ऐसा उसने कहा। दिस वॉज हाउ पूनम स्टार्टेड टू अटेंड द ट्यूशन क्लासेज, ऐसे उसने ट्यूशन क्लासेज ज्वाइन करना शुरू कर दिया। द अदर स्टूडेंट्स लुक डाउन अपॉन हर बिकॉज ऑफ हर शैबी क्लोथ्स, कि उसके गंदे कपड़ों के कारण जो बाकी बच्चे थे उसकी तरफ देखते थे। बट शी वॉज डिटरमाइंड टू डू वेल, लेकिन वो अपना हमेशा अच्छा करती थी। शी पेड ऑल हर अटेंशन टू द ट्यूटर, और वो अपने ट्यूटर का अपने अच्छे से समझती थी। एंड वर्ड शी टोट, कि जो वो पढ़ाती थी। एट द एंड ऑफ क्लास पूनम अरेंज ऑल चेयर्स इन रोज, और सबसे जो क्लास खत्म हो जाती पूनम सारी चेयर्स को एक जगह इकट्ठा कर देती और कमरे को सफाई कर देती ताकि वो फीस के रूप में ऐसा कर सके। पूनम्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव विद एवरी मंथली टेस्ट, की हर मंथली टेस्ट में अपनी जो परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव करने लगी। एंड वेन द रिजल्ट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन वर डिक्लेयर्ड, और जब भी जो वार्षिक परीक्षा का डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, उसने क्या किया, शी हैड अ रीजन टू जम्प इन जॉय, और वो खुशी से क्या करने लगी, नाचने लगी। शी हैड स्टूड
फर्स्ट नॉट ओनली इन द क्लास बट इन द एंटायर स्कूल, कि सिर्फ कक्षा में ही नहीं उसने पूरे स्कूल में क्या किया था, फर्स्ट आई थी. शी हैड स्कोर्ड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और मैथ में उसने गणित में क्या किया था, 100% लाइक थी वो. विद द रिपोर्ट कार्ड पूनम ऑलमोस्ट रैन टू मिस राशिज हाउस, और अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ पूनम कहाँ गई, मिस राशि के घर गई. शी प्रेस्ड द डोर बेल क्यूरियसली, उसने धीरे से क्या किया, डोर बेल बजाई. मिस राशिज मदर ओपन द डोर, मिस राशि की मम्मी ने क्या किया, दरवाजा खोला. शी इन्फॉर्म दैट मिस राशि वॉज नॉट देयर, उसने उसको बताया कि मिस राशि यहाँ नहीं है. एक्चुअली आई केम हेयर टू थैंक मिस, कि यहाँ पे वास्तव में मैं मिस राशि का धन्यवाद कहने के लिए आई थी. इट इज ड्यू टू हर हेल्प दैट आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द स्कूल, कि उनकी उनके कारण ही मैं क्या हुई हूँ, स्कूल में फर्स्ट आई हूँ, ऐसा पूनम ने कहा. दैट इज वेरी गुड सेड द वुमेन, अब राशि की मम्मी ने क्या जवाब दिया कि यह तो बहुत अच्छा है. आई नो यू वॉन्ट टू शो योर रिपोर्ट कार्ड टू हर, कि मुझे पता है तुम उनको रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहती हो, लेकिन क्या हो गया, अब उनकी शादी हो गई और वो क्या कहाँ चली गई, अमेरिका में सेटल हो गई. स्टिल आई शैल इन्फॉर्म हर अबाउट हर, क्यों, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी. पूनम वॉक बैक होम, पूनम क्या हुआ फिर उसके बाद, अपने घर चली गई. बट हर माइंड वॉज इनग्रोस्ड विद द ब्यूटिफुल फेस, लेकिन उसका क्या हुआ, दिमाग उस ब्यूटिफुल फेस की तरफ ही था, कि जो उसको ट्यूटर क्या दे रही थी, ट्यूशन पढ़ा रही थी. फॉर हर ट्यूटर शी वॉज वन अमंग मैनी स्टूडेंट, बट फॉर हर हर ट्यूटर वॉज द ओनली हु लेड हर टू आवर्स अ ब्राइट फ्यूचर, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मेरी ट्यूटर ऐसी है कि जिसने मुझे इतना ब्राइट फ्यूचर दिया है. अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट. आज की हमारी वर्कशीट नंबर 11 है. सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश. डे है मंडे. तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग, वर्ड दिए हुए मीनिंग लिखने हैं. ग्लैंस का मतलब क्या होता है, झलक. एक्सेप्ट के अलावा, बियॉन्ड के परे, टर्न बदल गया, इम्प्रेशन प्रभाव. प्रोग्रेस क्या होता है, प्रगति. शो प्रदर्शन करना, अटेंड भाग लेना किसी चीज में. इम्प्रूव क्या होता है, सुधार. डिक्लेयर घोषित. फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पूनम्स फादर शाउट एट हर, कि जो पूनम के पापा थे उस पर क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो उसको क्या मिला था, मैथमेटिक्स में बहुत ही कम मार्क्स मिले थे. हाउ कुड पूनम्स फादर नॉट एफर्ड एनी ट्यूशन फॉर हर, पूनम के जो पापा थे उसके लिए ट्यूशन क्यों नहीं एफर्ड करना चाह रहे थे, क्योंकि वो तो क्या थे, क्लर्क थे, और उनके पास क्या था, ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए वो उसके लिए ट्यूशन नहीं दे सकते थे. व्हाट डिड नालिन एडवाइस पूनम, नालिन ने क्या एडवाइस दी पूनम को, उसने बोला कि मिस राशि के पास ट्यूशन जाओ. हाउ डिड मिस राशि गेट रेडी टू हेल्प हर, राशि ने उसकी कैसे हेल्प की, राशि ने क्या बताया उसे, शी डजंट हैव अ चेयर, कि उसके पास कोई चेयर नहीं है, एंड शी कुड सिट ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बैठ के पढ़ सकती है. वेयर डिड पूनम सिट इन द ट्यूशन क्लासेस, जो पूनम थी वो ट्यूशन क्लासेस में कहाँ बैठती थी. ऑन व्हाट डिड शी पे अटेंशन, शी सैट ऑन द फ्लोर एंड शी पेड ऑल अटेंशन टू द ट्यूटर एंड वर्शीटो, कि जो भी वो पढ़ाती थी उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ती थी, और वो कहाँ बैठती थी, फर्स्ट पे बैठती थी. व्हाट डिड पूनम डू एट द एंड ऑफ ट्यूशन क्लासेस, उसने क्लास की जब अंत आया तो उसने क्या किया, शी अरेस्ट ऑल चेयर्स इन रोज, की सारी चेयर्स को एक रोज में लगा दिया और रूम को साफ कर दिया. कुड पूनम थैंक हर ट्यूटर, कि उसने क्या किया, धन्यवाद किया उसका, क्यों किया. यस शी थैंक्ड हर ट्यूटर, उसने थैंक यू धन्यवाद कहा. बिकॉज शी स्टूड फर्स्ट इन द स्कूल, की वो कक्षा में प्रथम आई थी, कक्षा में ही और स्कूल में भी. फिर अपोजिट वर्ड, उल्टे शब्द लिखने आपको, जैसे अपका डाउन, फैट का थिन. ओके, ऐसे ही आपको खुद करने हैं. ओके स्टूडेंट, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है. थैंक यू.